एबिबास, नाइकी, ओके और यहाँ तक कि बिलोरी जैसे और भी नामों में एक चीज कॉमन है कि ये सब के सब बड़े बड़े ब्रांड्स की कॉपी हैं। पर यही नहीं, एक सर्वे के हिसाब से इंडिया में फेक प्रोडक्ट की मार्केट 40,000 करोड़ जितनी बड़ी है और यहाँ तक कि मार्केट में मौजूद 20-25% प्रोडक्ट नकली है। तो आखिरकार इंडिया में डुप्लीकेट या काउंटरफीट प्रोडक्ट की डिमांड इतनी बढ़ कैसे रही है? और कुछ पैसे बचाने के लिए ये डुप्लीकेट प्रोडक्ट हमारे लिए जानलेवा तक साबित हो रहे हैं। लेकिन क्या पता है आपको कि आपने ज्यादा डिस्काउंट के लालच में जो प्रोडक्ट ऑनलाइन खरीदे हैं वो नकली भी हो सकते हैं। तो कहीं आप नकली दवाइयां तो नहीं खा रहे? और हमारा देश नकली सामान बनाने वालों का चैंपियन बन गया है। विश्वसनीय ब्रांड्स के स्टिकर्स के साथ नकली सामान बेचने का काम चल रहा था। इस टाइम पर इंडिया पे चाहे आप ऑनलाइन इंस्टाग्राम स्टोर चेक करें या फिर OLX और क्विकर जैसे प्लेटफॉर्म और या फिर सरोजनी नगर या पालिका बाजार जैसी मार्केट्स, हर जगह पर कॉपी या फेक प्रोडक्ट का बाजार धड़ल्ले से चल रहा है। ये वही मार्केट है जहां नाइकी की टी शर्ट 150 रुपए में, एडिडास के शूज 250 में, यहां तक कि आईफोन के क्लोन 10-15 हजार की रेंज में आसानी से मिल जाएंगे। बल्कि यही नहीं, लग्जरी ब्रांड जैसे कि शनेल या फिर लुई विटॉन के प्रोडक्ट्स जिनके ओरिजिनल प्राइस ही लाखों में जाते हैं, उनको भी आप रोड साइड फुटपाथ पर 500 की दो में खरीद सकते हैं। हाँ जी हाँ, 150-150 रास्ते का माल सस्ते में ले जाओ अपने बस्ते में। अरे ले जा रहे, ए, लास्ट पीस है। तो सवाल ये उठता है, आखिर कौन है वो लोग जो फेक या कॉपी प्रोडक्ट खरीदते हैं? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? हाल ही में पालिका बाजार में हुए एक सर्वे में ये पता लगा कि 42% खरीदार इन प्रोडक्ट्स के 15 से 20 साल के एज ग्रुप के, 38% 20 से 25 साल के एज ग्रुप के, 15% 25 से 30 और बाकी 5% अबव 30 एज ग्रुप के होते हैं। और तो और, साथ ही इस सर्वे में हमें ये भी पता लगा कि 60% इन फेक प्रोडक्ट के कस्टमर मेनली स्टूडेंट होते हैं और जिनमें से मेजोरिटी ऑफ कस्टमर को ये पूरी तरह से पता होता है कि वो एक फेक या डुप्लीकेट प्रोडक्ट खरीद। तो आखिरकार क्यों खरीदते हैं लोग ये कॉपी प्रोडक्ट्स? तो सबसे पहला रीजन है कॉपी प्रोडक्ट की बढ़ती डिमांड का। मार्केट में अवेलेबल ये काउंटरफीट या डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स का प्राइस काफी ज्यादा सस्ता होता है, जो कंज्यूमर के खर्च करे एक एक पैसे का पूरा सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर को लेके देता है, जिसके वजह से लोग दूसरे सस्ते ब्रांड के कंपैरिजन में एक बड़े ब्रांड की कॉपी खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं। दूसरा रीजन है, इस भागा दौड़ी की जिंदगी में ट्रेंड हद से ज्यादा तेजी से चेंज हो रहा है। कल जिन ढीले कपड़ों को देखकर आप ये बोलते थे अपने पापा के कपड़े पहन लिए हैं क्या, के नाम से ताना मारते थे, आज वही ओवरसाइज टी शर्ट के नाम से ट्रेंड बन चुकी है। और कल जो कपड़े पोछा बनाने के लिए फेंक दिए जाते थे, खैर जाने दो। तो आखिरकार इन मेन कॉपी मार्केट के कंज्यूमर एक स्टूडेंट होते हैं जिनका बजट हद से ज्यादा टाइट होता है और इतनी जल्दी बदलते ट्रेंड को अपनाने के लिए ये इन कॉपी सस्ते अल्टरनेटिव में ही इन्वेस्ट करना बेहतर समझते हैं। तीसरा और सबसे बड़ा रीजन है पेयर प्रेशर। इस सोशल मीडिया के टाइम पर अगर कोई भी फैशन से जुड़ी चीज किसी सेलिब्रिटी ने पहन ली तो आज की जनरेशन को भी वही सेम प्रोडक्ट चाहिए है। और ये ऑनलाइन पेयर प्रेशर ही बढ़ती वजह है डुप्लीकेट प्रोडक्ट की मार्केट का। हाल ही में हुए एक सर्वे के हिसाब से डुप्लीकेट या कॉपी अपैरल और क्लोदिंग 63% के साथ सबसे ज्यादा बिकने वाली कैटेगरी है और साथ ही उसके बाद बैग्स वॉलेट दूसरे नंबर पर। और तो और, नाइक, एडिडास, प्यूमा, रिबॉक सबसे ज्यादा पॉपुलर ब्रांड है काउंटरफीट मार्केट में। हालांकि ये प्रोडक्ट देखने में बिल्कुल ओरिजिनल प्रोडक्ट जैसे ही दिखते हैं, पर होते तो ये काफी ज्यादा चीप क्वालिटी के ही है, लेकिन इस चीज को कस्टमर नजरअंदाज कर देता है। यहाँ तक कि डुप्लीकेट और काउंटरफीट प्रोडक्ट की मंडी सिर्फ इन्हीं कैटेगरी में सीमित नहीं है, बल्कि FMCG और फार्मास्यूटिकल सेक्टर भी इन नक्कालों के शिकंजे से बच नहीं पाया। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल के हिसाब से लास्ट 40 सालों में डुप्लीकेट मेडिसिन से ज्यादा लोगों की जाने गई हैं, यहाँ तक कि टेररिस्ट अटैक की भी तुलना में। पर इन डुप्लीकेट प्रोडक्ट की काला कारोबारी के ऊपर कोई बात करना ही नहीं चाहता। इंडिया में आप कोई भी रोड साइड मार्केट विजिट करो, हर मार्केट में आपको कहीं न कहीं ये डुप्लीकेट या कॉपी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जरूर देखने को मिल जाएंगे। इन फेक प्रोडक्ट्स में लिपस्टिक से लेकर फाउंडेशन, काजल्स, यहाँ तक कि शैम्पूज और फेस क्रीम तक शामिल है। पर हैरत की बात तो ये है कि ज्यादातर महिलाओं को पता होने के बावजूद कि ये प्रोडक्ट नकली है, फिर भी ये लोग बिना कुछ सोचे समझे न केवल इन प्रोडक्ट्स को खरीद रही हैं
बल्कि इनको अपने फेस पर इस्तेमाल तक करती हैं, जो कि एक बहुत बड़ी वजह है इंडिया में बढ़ते स्किन इश्यूज का। इतनी तेजी से बढ़ती हुई फेक प्रोडक्ट की मार्केट न केवल कंज्यूमर के लिए बल्कि एनवायरमेंट, कंपनीज और यहाँ तक कि गवर्नमेंट के लिए नुकसानदायक है। ये कॉपी प्रोडक्ट सिर्फ कंपनीज के प्रॉफिट पर नहीं बल्कि उनकी रेप्यूटेशन पर भी सेंध लगा दे। अगर कोई कस्टमर जाने अनजाने में किसी भी ब्रांड का डुप्लीकेट प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है तो ये लो क्वालिटी का प्रोडक्ट कंज्यूमर के माइंड में ओरिजिनल ब्रांड की इमेज को भी खराब कर देता है, जिसके बाद जाकर कस्टमर उस ब्रांड के ओरिजिनल प्रोडक्ट को खरीदना तक पसंद नहीं करता। 2019 के एक आर्टिकल के हिसाब से 25,000 बच्चों की मौत हर साल सिर्फ फेक मेडिसिन के इस्तेमाल से होती है, और यही नहीं बल्कि काउंटरफीट लिथियम आयन बैटरीज एक लीडिंग कॉज है बैटरी के एक्सप्लोड से होने वाली घटनाओं का। बढ़ता हुआ ये नकली कारोबार हमारी इकोनॉमी के लिए भी काफी ज्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि ज्यादातर काउंटरफीट प्रोडक्ट इलीगली मैन्युफैक्चर किए जाते हैं जिनका ऑन पेपर कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता। इस वजह से इन काउंटरफीट प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर किसी भी तरह का टैक्स गवर्नमेंट को पे नहीं करते, जो कि एक बड़ा कारण है काउंटरफीट प्रोडक्ट्स का इतना सस्ता होने का। तो आखिरकार सारे मुद्दों को तोलने के बाद हम हर बार यही नतीजे पर पहुंचते हैं कि काउंटरफीट प्रोडक्ट की मार्केट दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, और हमारी गवर्नमेंट ने भी इन समस्याओं से निपटने के लिए काफी ज्यादा लॉज बनाए, जैसे कि ट्रेडमार्क एक्ट 1999, कॉपीराइट एक्ट 1957 और पेटेंट एक्ट 1970 जैसे और भी बहुत सारे एक्ट। पर एक्चुअल में ये एक्ट्स ग्राउंड लेवल पे कितने ज्यादा फायदेमंद है और इसमें कितने लूप होल्स हैं, ये मुझसे ज्यादा आप बेहतर जानते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।